हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको कॉर्पोरेशन के जो स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन है उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स समझाऊंगा और आप इसके थ्रू ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्रेफर्ड स्टॉक को कैसे रीड करते हैं, कॉमन स्टॉक को कैसे रीड करते हैं और बाकी जो टर्म्स हैं उसके मीनिंग क्या बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फर्स्ट लाइन को चेक करें, स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन में जो फर्स्ट $6 प्रेफर्ड स्टॉक है, जब प्रेफर्ड स्टॉक के साथ कोई डॉलर में अमाउंट या करेंसी में कोई अमाउंट गिवन हो या परसेंटेज गिवन हो उसके टाइटल से पहले, तो ये शो करता है कि आप इस स्टॉक के ऊपर कितना डिविडेंड पे करेंगे। याद रहे प्रीवियस लेक्चर में हम ये चीज़ कवर कर चुके हैं कि प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर डिविडेंड फिक्स होता है। तो $6 प्रेफर्ड स्टॉक का मतलब 1 प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर आप $6 डिविडेंड पे करेंगे। $100 पार वैल्यू का मतलब इसकी जो रजिस्टर्ड प्राइस है वो $100 है, कॉलेबल एट 102, यानी अगर कंपनी चाहे तो वो इन स्टॉक को $102 के ऊपर अपने ऑनर से वापस बाय बैक कर सकती है। 200,000 शेयर्स ऑथराइज्ड, कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है कि वो 200,000 शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन इसका खत्म मतलब नहीं है, ये नहीं है कि वही तमाम शेयर्स ऑफर करेंगे। तो हम इसके बाद के लेक्चर्स में ये देखेंगे कि उन्होंने अभी कितने शेयर्स ऑफर किए। कॉमन स्टॉक $5, कॉमन स्टॉक याद रहे कि हम इसे ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं और यही आपके एक्चुअल ऑनर होते हैं। $5 पार वैल्यू का मतलब है कि इनकी जो रजिस्टर्ड प्राइस है वो $5 है। जब आप प्रेफर्ड स्टॉक को और कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू देख रहे हो तो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़्यादा है या कम है, ये इसके मीनिंग को शो नहीं करता। ये सिर्फ ये बता रहा है कि जो आपने कॉमन स्टॉक इशू किए उनकी रजिस्टर्ड प्राइस $5 की है, और ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुका कि नॉर्मली कॉमन स्टॉक की जो पार वैल्यू है वो कम रखी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। टोटल 5 मिलियन शेयर्स ऑथराइज हैं। ऑथराइज का मतलब है कंपनी ने ये परमिशन लिया है कि वो 5 लाख शेयर्स तक ऑफर कर सकती है, लेकिन इट डजेंट मीन दैट कंपनी मस्ट ऑफर ऑल दी शेयर्स, वो उनके प्लान पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट, एडिशनल पेड इन कैपिटल को भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। एडिशनल पेड इन कैपिटल को हम पाकिस्तानी प्रैक्टिस के अंदर शेयर प्रीमियम या कैम्ब्रिज की प्रैक्टिस में शेयर प्रीमियम से शो करते हैं। ये वो एडिशनल अमाउंट होता है जो कि आपने शेयर होल्डर से रिसीव किया होता है। एडिशनल पेड इन कैपिटल प्रेफर्ड पे बता रहे हैं कि प्रेफर्ड के जो शेयर्स आपने ऑफर किए उनमें आपने 360,000 एडिशनल अमाउंट लिया, और जो कॉमन स्टॉक आपने इशू किए उनके ऊपर आपने 30 मिलियन का अमाउंट जो है वो एडिशनल रिसीव किया है शेयर होल्डर से। रिटेन अर्निंग की टर्म भी मैंने लास्ट क्लास में आपकी कवर की थी कि रिटेन अर्निंग का मतलब है वो अर्निंग जो कि आपने इस वक्त तक अपने पास रखी हुई है या आपने शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड पे नहीं किया है। तो रिटेन अर्निंग इस वक्त 2.6 मिलियन का जो अमाउंट शो हो रहा है, ये शो कर रहा है कि इतनी रिटेन अर्निंग जो है वो हमारे पास मौजूद है। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर ये कवर किया था कि इसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से भी शो करते हैं। तो अगर स्टॉक होल्डर इक्विटी में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन हो या रिटेन अर्निंग की टर्म गिवन हो तो दोनों एक ही चीज को शो करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट उसने कंपोनेंट्स दिए हुए जिनमें वो आपसे डिफरेंट चीजें डिमांड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, पहले पार्ट में कहते हैं कि हाउ मेनी शेयर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक हैव बीन इशूड, तो हम इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके थ्रू आप देखेंगे कि हम प्रेफर्ड स्टॉक की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। इसी तरह वो सेकंड पार्ट में पूछता है व्हाट इज द टोटल एनुअल डिविडेंड रिक्वायरमेंट ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रेफर्ड स्टॉक, तो ये भी हम चेक करेंगे कि आप डिविडेंड को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ मेनी शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक हैव बीन इशूड, इसका भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसको भी कैलकुलेट करेंगे। पूछता है व्हाट वाज द एवरेज प्राइस पर शेयर रिसीव्ड बाय द कॉर्पोरेशन फॉर इट्स कॉमन स्टॉक इंक्लूडिंग शेयर सब्सक्राइब्ड, तो ये जो एवरेज प्राइस है इसमें हम फार्मूला अप्लाई करके इसकी भी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। If company decided to give 1.5 dividend per common stock outstanding, give the total amount of dividend in common stock. तो ये जो dividend उसने आपको per common stock दे दिया है, ये इसकी भी हम working करेंगे। तो आप जब तक इस lecture को repeat करें और इसके concepts को improve करें ताकि आप next lecture को better अंदाज के अंदर जो है वो understand कर सकें। Thank you very much.